जनपद बिजनौर में बसने कुचला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सरकारी बस अड्डे के सामने एक तेज रफ्तार बस चालक ने एक युवक को कुचल दिया। बस ड्राइवर बस को अड्डे पर खड़ा करके फरार हो गया। इस घटना के बाद बस अड्डे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीर ने इस दर्दनाक घटना की सूचना थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के मोबाइल से इस घटना की जानकारी घर पर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर घर में मातम पसर गया। जिला मेरठ के किशनपुर का रहने वाला सुरेंद्र नाम का एक युवक आज अपने परिवार में होने वाली शादी का कार्ड बांटने बिजनौर आया हुआ था। ठीक सरकारी बस अड्डे के सामने तेज रफ्तार नगीना बस डिपो की बस ने तेज, जिसके बाद घर शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया है। दिल्ली इंडिया न्यूज के लिए शमशाद सैफी की रिपोर्ट। बाइट सतवीर सिंह, स्टाफ कर्मचारी। मेरा नाम सतवीर सिंह है। बताइए, जो एक्सीडेंट हुआ है क्या मामला है सर? एक्सीडेंट जैसे ये खड़ा हुआ था उसके नीचे एकदम से गिर गया ये भैया, इन्हें उतार दिया। हमने कह रहे क्या भाई, रोक ले तो ये रुके ना तेजी में गाड़ी आगे बढ़ा रहे। तेज रफ्तार, तेज रफ्तार में। कौन सी बस है, कौन से कहाँ की बात है? गाड़ी है ये नगीना रोड की। अच्छा, कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट ये? ये बाहर यूआर रोड बेच के बाहर, छात्राबाद के बाहर। अच्छा, तो क्या रोड तेज थी ये? तेज थी ये। तो क्या ड्राइवर फरार हो गया इसका? ड्राइवर को जैसे आपने किया वैसे ही तुरंत एकदम भाग गया उतर के ड्राइवर और कंडक्टर।